रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आदेश जारी किया है, यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया गया है, तो यूक्रेन की सेना सरेंडर करे, ये बात कही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। इसके साथ ही कहा कि यूक्रेन की सेना हथियार डाले, सरेंडर करे। तो फिलहाल आपको बता दें कि यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया दो भागों में बट गई है, और बंटने के पीछे वजह यह है कि कोई समर्थन कर रहा है, कोई समर्थन नहीं कर रहा है। विचारधाराओं के खेल के बीच में हर कोई इस लड़ाई में कोई कूद पड़ रहा है, कोई दूर भाग रहा है। तो अमेरिका भी लगातार अपनी एक्टिवनेस दिखाते हुए आदेश जारी कर रहा है कि रूस ऐसी कोई भी कार्रवाई न करे, लेकिन रूस लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और एक भीतर से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट है वो यही है कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक रूस ने यूक्रेन में तैनात कर दिए हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो नतीजे भुगतने होंगे। इस बयान के तुरंत बाद ही यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके और राजधानी कीव में बड़े धमाकों की रिपोर्ट सामने आई है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रमात्स्कोक में 2 धमाके सुने गए हैं। रूसी सिपाही क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात हैं। तो सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करण खुराना जुड़ गए हैं। करण खुराना, ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया दो भागों में बंट गई है, कोई जुड़ रहा है, कोई समर्थन कर रहा है, कोई समर्थन नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, जिसका सभी को डर था, 1.5 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा था वो आखिरकार जो है अपनी अंतिम पड़ाव पर आ गया, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसका सभी दुनिया को डर था, दुनिया के जितने भी देश है, उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया है यूक्रेन से, और साफ तौर पर कहा कि ये युद्ध जो है अब टाला नहीं जा सकता। उन्होंने साथ ही यूक्रेन की जो सेना है उनको भी धमकी दी कि वो अपने जो हथियार है वो जो है रख दे और अपने घर जो है घर की ओर वापसी लौट जाए। और इस बीच इनके ऐलान के बाद, रूसी राष्ट्रपति के ऐलान के तुरंत बाद ही 4 इलाकों में यूक्रेन के बम ब्लास्ट भी किए गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तो साफ तौर पर रूस की जो नीति है वो साफ तौर पर यही है कि यूक्रेन पर किसी भी तरीके से जो है कब्जा करना है। हालांकि पूरा विवाद इधर मैं बता दूं, रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो देशों में शामिल ना हो या नाटो देशों का समर्थन ना करे, जिसका सख्त विरोध रूस जो है कर रहा है। हालांकि काफी जब माहौल गर्म हो गया था, लगातार जो है तनातनी हो गई थी दोनों देशों के बीच, तो यूक्रेन ने साफ तौर पर कहा था कि वो नाटो देशों का समर्थन नहीं करेगा, नाटो देशों की तरफ वो सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन बावजूद उसके जो रूसी राष्ट्रपति का जो रुख था वो सीधा उनका जो था, उनकी नीति यही थी कि वो किसी भी तरीके से वो यूक्रेन पर हमला करे, और ये हुआ भी। और आज जो है उन्होंने ऐलान करा साफ तौर पर कि वो जंग करेंगे, और जंग का उन्होंने ऐलान किया। आपको बता दूं 1.5 लाख से ज्यादा उन्होंने सैनिक यूक्रेन को तीनों तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है रूसी सेना ने, और कभी भी जो है अटैक जो है पूरी तरीके से 1.5 लाख जो सैनिक है उनके वो अटैक कर सकते हैं, और 4 शहरों में ब्लास्ट हो चुका है। इस बीच यूएनएससी में भारत का बयान यही है कि दोनों देश जो है वो शांति बनाए रखे, भारत अपनी तरफ से न्यूट्रल है, और भारत का यही बयान है कि दोनों देश शांति की अपील लगातार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो माहौल, ठीक है करण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, लगातार समय के साथ गहराती जा रही है, और इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बात से कि यूक्रेन की देश के अंदर प्रवेश कर चुका है रूस, और रूस के सैनिक बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं, और तैनाती के बाद ही कई शहरों में धमाके की खबरें भी सामने आ रही है। और यूएन की यहां पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, यूएन की तरफ से कहा गया है कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन रूस की तरफ से कहा गया है कि अब ये जंग होकर रहेगी। तो जंग का ऐलान रूस की तरफ से कर दिया गया है, तो युद्ध के खतरे के बीच फ्रांस ने अपने नागरिकों से बिना देरी के यूक्रेन छोड़ने को कहा था। फ्रांस के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि यूक्रेन की सीमाओं पर रूसी सैनिकों के जमा होने की वजह
गंभीर तनाव पैदा करने वाली है और यह तनाव बढ़ चुका है, लेकिन ये तनाव खत्म कैसे होगा, कम कैसे होगा, इसको लेकर पूरी दुनिया विचार कर रही है कि कैसे रूस और यूक्रेन के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है